हेलो गाइस, वेलकम टू द एस जी इन्फिनिटी चैनल। और सबसे पहले तो गाइस मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इतने टाइम से वीडियो आना बंद हो गए थे, पर इसके लिए एक टेक्निकल इश्यूज थे जो कि अब यूट्यूब ने सॉल्व कर दिए हैं। तो मुझे कमेंट्स आए थे कि आप DDU नड़ियाद वर्सेस निरमा यूनिवर्सिटी पर वीडियो बनाए, तो आज का वीडियो आ गया है DDU नड़ियाद वर्सेस निरमा यूनिवर्सिटी। आपको इन दोनों में से किस कॉलेज को प्रेफरेंस देना होगा, इनके फीस में डिफरेंस, प्लेसमेंट में डिफरेंस कितना है, वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कवर इन दिस वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन, फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय बोथ कैंपस, फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, कंपनीज विजिटेड, कि कोई कौन सी कंपनीज इन दोनों कैंपस में विजिट करती है, और मेरे हिसाब से किस कॉलेज को आपको प्रीफर करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन कंपेयर की। तो हम सबसे पहले ईयर ऑफ एस्टैब्लिश्ड देखते हैं। तो DDU नड़ियाद 1968 में एस्टैब्लिश हुआ था और निरमा यूनिवर्सिटी 1995 में। हम दोनों की कैंपस साइज देखें तो DDU नड़ियाद के कैंपस 42 एकड़स में और निरमा यूनिवर्सिटी का कैंपस 125 एकड़स में फैला हुआ है। हम ऑफिशियल वेबसाइट देखें दोनों की, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उसकी वेबसाइट पर से ले सकते हैं, जो कि है www.ddu.ac.in DDU नड़ियाद के लिए, और निरमा यूनिवर्सिटी के लिए है technology.nirmauni.ac.in। वहीं हम ऑनरशिप की बात करें तो DDU नड़ियाद एक पब्लिक गवर्नमेंट कॉलेज है, वहीं निरमा यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट कॉलेज है। और हम एडमिशन बेसिस देखें तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ ACPC काउंसिलिंग, निरमा यूनिवर्सिटी की ऑल इंडिया कैटेगरी में इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा। और हम NIRF रैंकिंग देखें 2020 के हिसाब से तो DDU नड़ियाद पूरे इंडिया में 193 पर स्टैंड करता है, वहीं निरमा यूनिवर्सिटी 135 पर। बट निरमा यूनिवर्सिटी का ग्रोथ हो चुकी है और DDU नड़ियाद अभी धीरे धीरे बहुत ग्रो कर रहा है, और कुछ टाइम में यह निरमा यूनिवर्सिटी से भी आगे होगा। अब बात करते हैं फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाई बोथ कैंपस। तो DDU नड़ियाद का कैंपस आपको बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, वाईफाई, कैफेटेरिया, लेबोरेटरी, स्पोर्ट्स ग्राउंड, ऑडिटोरियम, कई सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। वहीं हम निरमा यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसका कैंपस बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, वाईफाई, कैफेटेरिया, लेबोरेटरी, स्पोर्ट्स ग्राउंड, ऑडिटोरियम, सारी जो DDU नड़ियाद प्रोवाइड करता है, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो फैसिलिटीज़ की बाबत में दोनों कॉलेज बेस्ट है और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं उसका फी स्ट्रक्चर डिफरेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर दोनों कॉलेज डिफरेंस आती है। DDU नड़ियाद की फ़ी स्ट्रक्चर देखें, और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो में मैं जो DDU नड़ियाद की बात करूंगा वो सिर्फ गवर्नमेंट कोटा की ही बात करूंगा। DDU नड़ियाद का सेल्फ फाइनेंस कोटा मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। तो बॉयज़ कैंडिडेट के लिए जो DDU नड़ियाद की फ़ीस है वो है 1500 रुपीज़ पर ईयर, और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए ये फ़ीस बिल्कुल ज़ीरो रहेगी। और हाँ, इसके अलावा भी आपको DDU नड़ियाद में लाइब्रेरी चार्ज एंड एग्ज़ाम चार्ज पे करना रहेगा। और आपकी चार ईयर की स्टडी कंप्लीट करते हैं DDU नड़ियाद के गवर्नमेंट में से तो वो अप्रोक्स रहती है 15,000 to 20,000 रुपीज़। वहीं हम निरमा यूनिवर्सिटी की बात करें तो सारे कैंडिडेट के लिए ट्यूशन फीस रहती है 1,81,000 पर ईयर, जो बहुत ही बड़ा अमाउंट रहता है। वहीं हम टोटल चार्ज देखें 4 ईयर स्टडी का सिर्फ ट्यूशन फीस, तो वो अप्रोक्स रहती है 15 to 20 lakhs, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट रहता है और सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अब बात करते हैं प्लेसमेंट रिपोर्ट की। तो सबसे पहले हम DDU नड़ियाद में कुछ कंपनीज देखते हैं जो 2019 में वहाँ पर आई थी और उन्होंने DDU के स्टूडेंट को कितना ऑफर पैकेज किया था। तो फोन पे ने 5.85 lakh पर एनम, TCS IT ने 5.80 lakh पर एनम, HDFC लिमिटेड ने 5.60 lakh पर एनम, ITC लिमिटेड ने 4.30 lakh पर एनम, S&P ग्लोबल ने 3.50 lakh पर एनम, इंस्टूडेंट बैंक ने 3.50 lakh पर एनम, कोटक महिंद्रा बैंक ने 3.50 lakh पर एनम, प्रकाश केमिकल्स इंटरनेशनल ने 3.30 lakh पर एनम, और DMart ने 3 lakh पर एनम ऑफर किया था, जो कि एक अच्छा प्लेसमेंट रिपोर्ट है। तो DDU नड़ियाद के ओवरऑल प्लेसमेंट की, जो 2019 में हर एक स्टूडेंट को एवरेज सैलरी ऑफर हुई थी वो थी 4,10,000 रुपीज़ पर ईयर, और जो टोटल स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे वो थे 444 में से 378 स्टूडेंट, जो एक बड़ा नंबर माना जाता है।
और हम हाईएस्ट पैकेज देखें तो डीडीयू नडियाद के जिस स्टूडेंट को हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था वो था 18 लाख पर एनम, और जो लोएस्ट पैकेज ऑफर था हुआ था वो था 3.5 लाख पर एनम। तो आप देख सकते हैं कि लोएस्ट पैकेज भी काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए डीडीयू का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं निरमा यूनिवर्सिटी की। तो निरमा यूनिवर्सिटी में जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है वो है 2019 का, 80% स्टूडेंट वहाँ पर प्लेस हुए थे, और जो एवरेज सैलरी ऑफर हुई थी वो थी 6.50 लाख पर एनम, और जो हाईएस्ट सैलरी ऑफर हुई थी वो थी 30 लाख पर एनम। और यहाँ पर मैंने कुछ कंपनीज दिखाई है वो है निरमा यूनिवर्सिटी के कैंपस में से स्टूडेंट को प्लेस करती हैं, वो है एयरटेल, अदानी, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICFC बैंक, शॉपक्लूज, EXL, रिलायंस, क्रिस, बाकी सब कंपनीज आप देख सकते हैं। और ये सारी कंपनीज DDU नडियाद में भी आती है। यहाँ पर हम निरमा यूनिवर्सिटी और DDU नडियाद की प्लेसमेंट की बात करें तो सिर्फ दो ही चीज़ें डिफरेंस है, वो है निरमा यूनिवर्सिटी का 2-3 लाख का पैकेज ज़्यादा रहता है। सिर्फ आप 2-3 लाख के पैकेज के लिए निरमा यूनिवर्सिटी में जाए वो बात सही नहीं है। अगर आप अपनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो DDU नडियाद बेस्ट कॉलेज है निरमा यूनिवर्सिटी से। आपको निरमा यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2-3 लाख का स्टार्टिंग पैकेज ज़्यादा मिलता है, और DDU नडियाद एक गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसमें से 2-3 लाख का पैकेज लो रहता है। बाकी इन दोनों कॉलेज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब हम देखते हैं विच कॉलेज शुड आई प्रीफर। तो मैं एक बात आपको बता दूँ कि DDU नडियाद का जो कंप्यूटर साइंस का कोर्स है वो पूरे गुजरात में सबसे बेस्ट माना जाता है। तो DDU नडियाद के कोर्स, कंप्यूटर साइंस का कोर्स किसी भी कॉलेज को टक्कर दे सकता है पूरे भारत में से, और DDU नडियाद का कंप्यूटर साइंस का कोर्स पूरे गुजरात में नंबर 1 है। और अब मेरी बात करूँ तो मैं जाऊँगा DDU नडियाद के साथ। निरमा यूनिवर्सिटी की फ़ीस हर कोई पे नहीं कर सकता, तो इसलिए DDU नडियाद बेस्ट कॉलेज है, सबके लिए अफोर्डेबल है। और हाँ, मैं आपको एक बात लास्ट में बता दूँ कि अगर आपको DDU नडियाद में सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन मिलता है और निरमा यूनिवर्सिटी में भी मिल रहा है तो आप निरमा यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि DDU नडियाद का सेल्फ फाइनेंस और निरमा यूनिवर्सिटी, इन दोनों में से निरमा यूनिवर्सिटी बेस्ट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आते रहिएगा SD इन्फिनिटी चैनल पर। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, और आखिर में इतना कहूँगा कि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो अभी इसलिए बना रहा हूँ ताकि राउंड 1 तो SCBC का ख़त्म हो चुका है, पर अब जो राउंड 2 स्टार्ट होगा इसके लिए आपको कौन से कॉलेज को ऊपर प्रेफरेंस देना है वो आपको पता चले।